सोते रहे। बोलो गुरुवंश जी, लाइव किया मैंने क्या? लाइव की बात नहीं है। अरे कविता, अरे सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो क्या? अरे कविता, इस नेगी को बता दे के मेरे से बात करो। ये आप जैसे सो रहे हो ना, वो ग्रिल में स्पेस बहुत ज्यादा है, अगर नींदों में करवट बदल ली तो दिक्कत हो जाएगी। अरे ऐसे मत सो, अपना सर टंकी की तरफ रखो, इस प्रकार से मत सो। और सर, ज्यादा सर्दी तो नहीं लग रही है? ये क्या करें, ऐसे राज्य में से दुख देख रहे हैं कि जीरो डिग्री टेम्परेचर पर पूरा देश और पूरा वर्ल्ड नई साल मना रहा है, और राजस्थान में हम इस प्रकार की परेशानियां देख रहे हैं। ओ भाई, तर लाइव न कर बंद, खाना पानी की व्यवस्था करवा दे, ठीक है? आ जाओ भाई सर। अरे रमेश जी कहें? साथियों, मान नहीं रहे हैं, टंकी पे अड़िग है, कम कम पाने वाली ठंड है, मैं नीचे खड़ा कम कम पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हमारे भाई साहब राकेश जी ने, कमलेश जी ने पूरा समझाइश करने की कोशिश की है, लेकिन बहने नहीं मान रही है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पे, रमेश जी भी, राकेश जी गढ़वाल भाई साहब, इतनी कम कपाने वाली ठंड है यहाँ पे, अलाव जरूर जल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से इनका हौसला नहीं कमजोर हो रहा है। गवर्नमेंट सुनने वाला है। अशोक जी गहलोत रैन बसेरों में आज न्यू ईयर बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो किस वजह से न्यू ईयर बना रहे हैं। ये सरकार जो निकम्मी हो चुकी है, जो युवाओं की बातों को नहीं समझ रही है। हलाव जल रहा है, आप लोग देखते हैं, ये चीता इस गवर्नमेंट की है जो जल्दी जलने वाली है। और हवाएं चल रही है कम कम पाने वाली, माइनस में जाने को हो रहा है, जीरो डिग्री टेम्परेचर सुनने में आ रहा है, जमाव बिंदु पे है, बर्फ जम रही है। अभी मैंने कांग्रेस के कई एमएलए को फोटोज भेजी है, जू नहीं रेंग रही है उनके, वो शायद तक आज वो सारे न्यू ईयर पे मदमस्त है। और आप लोग भी क्या फर्क पड़ रहा है, जुलाई जुलाई कमेंट करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आपके सारे लोग लाइव देखते रहो, अच्छी बातें हैं। लाइव देख रहे भोसड़ी का यहाँ तो यार, लाइव देखना की है। अरे रुको तो, समझ रहा हूँ यार, समझ रहा हूँ आपकी भावना, मैं कदर करता हूँ। गवर्नमेंट गवर्नमेंट बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे इतनी ठंड में राकेश जी गढ़वाल भाई साहब, कमलेश जी सभी लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से इतने ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, किस गवर्नमेंट ने इतने परेशान कर दिया है। शुक्रिया अनुज जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों बहनों को समझाने की, लेकिन वो अपने इरादों से टस से मस नहीं हो रही है। एक बार वापस आप लोगों को दिखाता हूँ, और अब तो वो ग्रिल के नीचे इतना स्पेस है कि वो नीचे नहीं गिर जाए, इसका भी हमें डर लग रहा है, क्योंकि दो दिन से वो टंकी पे है और सोई नहीं है। इतनी कम कम पाने वाली हवाएं चल रही है, और गवर्नमेंट इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात, ये निकम्मी सरकार है। हाँ सर,
जी सर, आप जाओ रमेश जी के साथ, जी सर 10-12 आदमी खाना लिया जी बिल्कुल। एक बार राकेश भाई साहब है, एक बार आप उनको सुने, 600-700 लोग लाइव चल रहे हैं सर, संदेश दीजिए या ऐसे दीजिए। बोलिए सर, बड़े भाई साहब राकेश जी, देख सकते राकेश भाई साहब अभी आप लोगों के बीच में कई बहनों की तबीयत भी बिगड़ गई थी, यहाँ पे जो नीचे उनकी सुरक्षा में जो बैठी है, अभी उनको हॉस्पिटल से दिखा के लाए हैं हमारे बड़े भाई साहब रोशन जी और हीरा भाई। राकेश जी भाई साहब बोलिए सर, ले लीजिए। साथियों, स्कूल व्याख्याता परीक्षा देने वाले पूरे राजस्थान में लगभग 11 लाख के लगभग हैं। अगर 1% भी लोग आप साथ देते, आज तस्वीर कुछ और होती। हम डटे हुए हैं और हमने अभी तक हार नहीं मानी है। हमें अपने मालिक पे भरोसा है कि जीत हमारी होगी। आखिरी दम तक हम मरेंगे, डटेंगे, लड़ेंगे। आज शाम को भी हमने बहुत बड़ा पंगा लिया था और हम लगे हुए हैं, और हमसे ज़्यादा हमारी बहनें 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे उस बड़ी टंकी पे लेटे हुए हैं, बैठे हो रही है। रोशन जी आ गया, साथियों उनको गाड़ी से ले जाओ। कल पूरे राजस्थान से जो लोग आ सकते हैं, जिनकी आत्मा गवाह देती है, वो जयपुर में हमारे पास में आए। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाने के लिए। मुझे अभी भी मुझ पर पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी जीत करेगा। साथियों, अगर आपकी आत्मा कहती है, आपका अंतर्मन कहता है, कल जयपुर आप पधारे, एक अच्छी संख्या में पधारे। नए साल के पहले दिन सदर के मुखिया गहलोत साहब को हम एक अच्छे तरीके से हाथ में फूल लेकर के अनुनय विनय कर लेंगे। बाकी हम तो यहाँ डटे हुए हैं, रोज संख्या अच्छी होती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए, जितना दबाव होना चाहिए, उतनी संख्या नहीं है। साथियों, मेरा विनम्र अनुरोध, आप कई लोग मुझे अनेक अनेक प्रकार से फ़ोन करते हो, व्हाट्सएप करते हो, अनेक अनेक सुझाव देते हो। मेरी परिस्थितियाँ हैं कि ये 1.5 महीना किस प्रकार से निकाला है मैंने। मेरे साथ में जो भी आदमी जुड़े हैं, 2 से 10 बड़े हैं, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों, मेरा एक रहा कि व्यक्ति विशेष में कोई खराबी नहीं होती है। हमारा सोच, हमारे विचार हमें बदलना होगा, जब तक हम प्रत्यक्ष थे किसी चीज़ को नहीं देख लें। मेरा एक ही लक्ष्य था कि स्कूल व्याख्याते थे बड़े और मुझे जन समर्थन मिले, इस आंदोलन को सभी लोगों का सहयोग समर्थन मिले। सभी लोगों का मिला है, लेकिन कईयों का अपने सर्दी में बिस्तरों से व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा या व्यक्ति से उपस्थिति 1% भी नहीं हुई। 1% भी आ जाते, अब अकल भी आ जाते हैं आप, तो मैं कहता हूं कि एक दिन पहले क्या, दूसरे दिन एग्ज़ाम और आज रात को भी डेट बढ़ सकती है, बदल सकती है। संभव है, 100% संभव है। आप मेरे पर्सनल नंबर पर आपकी राय मुझे दें, मैं रात को और आपको शुभकामनाएं दूंगा नूतन वर्ष की, और कुछ बातें बताऊंगा। मेरे खुद के नंबर पे आप मुझे राय भेजें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, राजस्थान के मेरे साथियों, नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं। प्रभु इस राज्य में शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दें, हमारी जय हो, विजय हो। धन्यवाद। बड़े भाई साहब राकेश जी गढ़वाल साहब ने आप लोगों को जो बात प्रेषित की है, ठंड बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है, हमारी जीत के नज़दीक है, आप सब रिक्वेस्ट है पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल आए, बिल्कुल कल जिनका सेंटर जयपुर है वो पहुंच जाए, कम से कम एग्ज़ाम देना है उनको। राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुँचे जल्द से जल्द, जाओ, कुछ काम के नहीं हो आप सब लोग, सरकार से ज़्यादा मुर्दाबाद आपके लगने